नमस्कार दर्शकों, मैं उनिशा और आप देख रहे हैं 24India.News। दोस्तों, अब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब करने वाली कंपनियां होंगी बंद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के आड़ में अपना स्वार्थ पूरा कर रही थी, उन्हीं कंपनियों पर गिरी है ये गाज। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2019 में बहुत कुछ तब्दीलियां की हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पेश किए गए दस्तावेज कुल 15 पन्नों का लेखा जोखा है, जिसके तहत ये साफ हो जाएगा कि कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मेथड के अनुसार काम कर रही है और कौन सी कंपनी काम नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत सारी कंपनियां अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है, लोगों को सरेआम धोखा दिया जा रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। अब यही लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस गाइडलाइंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे और नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे तो आने वाले भविष्य में उनके भविष्य के साथ और उनके सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी काम नहीं करती है। डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी कंपनी आपसे पैसे इन्वेस्ट करने को बोलकर उसी पैसे को सर्कुलेट कर रही है तो दोस्तों हो जाइए थोड़ा सावधान, क्योंकि ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं आती। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दौर में हर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने वाली कंपनियां IRDA के द्वारा रेगुलेट नहीं है, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले इन नियमों को जरूर पढ़ें। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ग्राहकों को डिस्काउंट कूपन और वाउचर्स देने के नाम पर हजारों लाखों रुपए ऐंठती है। दरअसल ये कंपनियां लोगों से ये कहकर पैसे लेती हैं कि आप 1 लाख की शॉपिंग कीजिए और आपको 20,000 रुपए का फायदा होगा, लेकिन ये फायदे के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि ये कंपनियां आप सबके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। ये कंपनियां लोगों के पैसे को रोटेट करती हैं, यानी ये कंपनियां मनी रोटेशन का काम करती हैं और आम जनता की भावनाओं के साथ खेलती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट में नहीं आएंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए नए नियमों के अनुसार। अब बारी आती है चौथे नंबर पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल करेंसी यानी लाइक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के जरिए ज्यादातर देश के युवा और टीनेजर्स फंसते हैं, जिनको ये कंपनी कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिखाती है। आपको बता दें दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पैसों को सर्कुलेट करने के कॉन्सेप्ट को लेकर काम नहीं करती है। जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिस्ट में शामिल नहीं होगी। दोस्तों, इस एक पॉइंट के कारण देश के 25% युवाओं की जिंदगी खराब होने से बच सकती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी इसी एक पॉइंट ने मचा के रखी है। ऐसे स्कीम के तहत अधिकतर स्कूल और कॉलेज के बच्चे फंस जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाए गए नए नियमों के कारण अब ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर भी इन्हीं कंपनियों के कारण खराब होता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स के साथ काम नहीं करती। और जहां तक रहा ऑनलाइन एजुकेशन का सवाल, तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन करवाते हैं, वो भी मुफ्त में। तो अगर कोई भी कंपनी खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलकर ऑनलाइन एजुकेशन करा रही है तो याद रखिएगा, ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है जो आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आड़ में गलत कर रही है। 6 नंबर पॉइंट में ये दिखाया गया है कि गेट पेड फॉर क्लिकिंग फिलिंग ऑनलाइन सर्वे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको भी इसी तरह के कहीं भी क्लिक करने का पैसा मिल रहा है या फिर ऑनलाइन सर्वे करने का या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मिलने के ऑफर दिए जा रहे हैं तो कृपया थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा नहीं करती है। और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं वो असल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये खुद को डायरेक्ट सेलिंग कहने वाली फ्रॉड कंपनियां लोगों के साथ सालों से जालसाजी करती रही हैं, साथ ही गिफ्टिंग हेल्पिंग और डोनेशन के नाम पर मनी सर्कुलेशन करती रही हैं। ये सारी की सारी क्राउड फंडिंग कंपनियां जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बिना किसी झिझक के धड़ल्ले से काम कर रही हैं, ये सारी की सारी कंपनियां फ्रॉड है और ये एक तरह के स्कैम को अंजाम दे रही हैं। इसलिए अब ये सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं कहलाएंगी, साथ ही ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी काम नहीं करेंगी। अब जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, जो कंपनी ऐसी ट्रिकी प्रोडक्ट्स बेचती है जैसे यंत्रा एंड तंत्रा, मतलब ये कि कई कंपनियां ये कहकर लॉकेट और ताबीज बेचती हैं कि इससे पहनने से आपकी सारी निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, इसके साथ ही आपके कारोबार में दिन दुगनी या रात चौगनी तरक्की होने लगेगी, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के फालतू और अंधविश्वासी बातें कहकर लोगों को बस भ्रमित किया जाता है, लेकिन ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये सब करती थी।
लेकिन अब इस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के कारण अब ये कंपनियां इस तरह का काम नहीं कर सकेंगी। अब ये सब कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं कहलाएंगी। तो दर्शकों, ये वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस है जिसके तहत जो भी कंपनी इन नियमों का पालन करेगी वो कंपनी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहलाएंगी। अब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बता दें कि अब ये नियम धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब कोई भी कंपनी आम जनता के साथ इस तरह का धोखाधड़ी नहीं कर पाएगी।